नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। गिनीज बुक रिकॉर्ड, जहां देश और दुनिया के अनोखे और नए रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। ये 2011 विश्व कप से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड है। वैसे कई दूसरे रिकॉर्ड भी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन हाल फिलहाल में महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस लिस्ट में जुड़ा है। दरअसल कैप्टन कूल ने 2011 विश्व कप फाइनल के दौरान जिस बल्ले का इस्तेमाल किया था, उस बल्ले को नीलामी में लगभग 1.1 करोड़ रुपए में बेचा गया था। विश्व कप फाइनल में विजयी छक्का लगाने वाले इस बल्ले को आरके ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड इंडिया ने खरीदा है, और सबसे बड़ी बोली लगाकर अभी तक का उन्होंने ये बल्ला खरीदा है। तो चलिए, धोनी के अलावा आज हम आपको वर्ल्ड क्रिकेट के कुछ ऐसे महान रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ग्रीम स्मिथ, दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 108 मुकाबलों में कप्तानी कर वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। शेनन गैब्रियल, क्रिकेट में हाल ही में एक नया बदलाव कंकसन सब्स्टिट्यूट का हुआ। प्लेइंग 11 में शामिल किसी खिलाड़ी के सर पर अगर गेंद से चोट लग जाती है तो उसके स्थान पर टीम अपने 12वें खिलाड़ी को मैदान में खेलने के लिए भेज सकती है। वेस्टइंडीज के शेनन गैब्रियल कंकसन सब्स्टिट्यूट के तौर पर बल्लेबाजी करने वाले पहले प्लेयर थे। उनका नाम इसी वजह से गिनीज बुक में दर्ज है। मोहम्मद आलम, नेपाल क्रिकेट टीम के गेंदबाज ने एक वनडे मैच में सभी 10 विकेट लेकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। मोहम्मद आलम ने 2008 में मोजाम्बिया के खिलाफ मात्र 7.5 ओवर में 12 रन देकर सभी 10 विकेट चटका लिए थे और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया था। एंथोनी मैकमोहन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने मात्र 13 साल की उम्र में साल 2003 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था। इसके अलावा युवराज सिंह, पोलार्ड, रवि शास्त्री, गैरी सॉबर्स और मार्क बाउचन ने भी 6 छक्के लगाए हैं। उस्मान गोकर, क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी उस्मान गोकर हैं। उस्मान गोकर तुर्की के हैं और साल 2019 में 59 साल 181 दिन की उम्र में रोमानिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। तो ये हैं ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने अद्भुत कारनामे की वजह से गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अब आप बताएं, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी।